हेलो फ्रेंड्स, तो दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों हमारे इस चैनल में। दोस्तों जैसा कि वीडियो के थंबनेल देख के आप जान चुके होंगे कि आज मैं आप लोग इस वीडियो में क्या बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप एक CSP पॉइंट लेना चाहते हैं, जी हां दोस्तों, यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट। जी हां फ्रेंड्स, यहां देख सकते हैं दोस्तों कस्टमर सर्विस पॉइंट, जैसा दोस्तों आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि तीनों में से किसी का भी आप कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी कि फ्रेंड्स CSP लेना चाहते हैं तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जी हाँ फ्रेंड, इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि कैसे आप बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP ले सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने एरिया में या फिर आप अपने लोकेशन पे, जहाँ भी आपका लोकेशन हो वहाँ पे आप अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP यानी कि फ्रेंड्स CSP कस्टमर सर्विस पॉइंट लेना चाहते हैं तो कैसे लें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको हम बता दें कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP लेना चाहते हैं तो दोस्तों जो आपका नज़दीकी ब्रांच होगा आपका दोस्तों वहीं से मिलेगा, यानी कि फ्रेंड्स आपका जो लोकेशन से नज़दीकी ब्रांच होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का, आपको वहीं से CSP दिलाया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आप कैसे इसके लिए मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको फ्रेंड्स, सबसे पहले अपना आधार कार्ड, जी हाँ फ्रेंड्स आपको अपना आधार कार्ड और फ्रेंड्स पैन कार्ड, जी हाँ दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको हम एक नंबर देंगे, उस नंबर पर कॉल करके आपको सेंड करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको वहाँ का लोकेशन वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका लोकेशन में बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP अवेलेबल होगा तो फ्रेंड्स आपको इधर से कॉल बैक किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका लोकेशन पे बैंक ऑफ बड़ौदा का CSP अवेलेबल है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स आपको सारा बता दिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स इसमें आपको बहुत सारा सर्विस मिलता है, जैसे कि फ्रेंड्स आप किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग, जी हाँ दोस्तों किसी भी कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों सेविंग अकाउंट या फ्रेंड्स करेंट अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों जैसे कि आपको एक बैंक का मिनी ब्रांच दे दिया जाता है जिसमें दोस्तों जितना सर्विस बैंक के शाखा में अवेलेबल है सारा सर्विस फ्रेंड्स आप अपने कस्टमर को दे सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों अगर आप बैंक ऑफ इंडिया का भी CSP लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स सेम प्रोसेस इसके लिए भी है। पहले आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक नंबर हम देंगे उस पर आपको व्हाट्सअप करना होगा। और दोस्तों उसके बाद आपको उस एरिया का पहले लोकेशन वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, कि आपका उस एरिया में बैंक ऑफ इंडिया का CSP अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो आपका नज़दीकी ब्रांच होगा फ्रेंड्स आपको उसी ब्रांच से CSP दिला दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ का सर्विस मिलता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको सेम सर्विस मिलता है, जैसे कि दोस्तों अगर आप एक किसी भी बैंक का यानी कि CSP लेते हैं फ्रेंड्स तो उसमें फ्रेंड्स आप कस्टमर के अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फ्रेंड्स ATM, पासबुक, चेकबुक वगैरह सारा चीज़ उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों आप एक छोटा आपका बैंक हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं SBI के लिए। जी हाँ दोस्तों, कि अगर आप SBI का CSP पॉइंट लेना चाहते हैं तो कैसे लीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं दोस्तों SBI यानी कि फ्रेंड्स अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का CSP पॉइंट लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी फ्रेंड्स सेम प्रोसेस है। फर्स्ट में फ्रेंड्स आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सारा चीज़ एक नंबर देंगे, उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपको कुछ टाइम का वेट करना होगा, जैसे आपका जहाँ लोकेशन का आप हमको एड्रेस सेंड कीजिएगा तो फ्रेंड्स उसका सबसे पहले उस एरिया का जो लोकेशन होगा उसका वेरिफिकेशन होगा कि फ्रेंड्स उस एरिया में जहाँ पे लोकेशन है वहाँ बैंक सॉरी फ्रेंड्स SBI का CSP अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। अगर दोस्तों अगर आपका एरिया में SBI का CSP अवेलेबल होगा तो फ्रेंड्स आपको उसका सारा रिक्वायरमेंट बता दिया जाएगा कि आपको क्या चार्ज देना होगा, कैसे क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि कैसे आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों तो फ्रेंड्स अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सिंपली इस नंबर पे, जी हाँ फ्रेंड्स यहाँ नंबर हम लिख भी देते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सिंपली इसी नंबर पे कॉल करके या फ्रेंड्स व्हाट्सअप करके, जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा फ्रेंड उसको सेंड कर देना है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सेंड कीजिएगा उसके बाद दोस्तों हम सारा प्रोसेस बता देंगे कि आपको कैसे CSP मिलेगा। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
पास में बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।